ब्लर्ड विजन आज 5G के युग में, स्मार्टफोन्स के युग में, लैपटॉप टैबलेट्स कंप्यूटर के युग में, प्लेस्टेशन के युग में, टीवी के युग में, मूवीज के युग में, आंखों का और कंपटीशन के युग में आंखों का अधिक से अधिक इस्तेमाल हो रहा है और जो रात सोने के लिए बनी है व्यक्ति उसमें भी जाग रहा है और इससे उसको ब्लर्ड विजन यानी कि धुंधला विजन हो रहा है। आज हम साथियों बताएंगे इसी समस्या के समाधान की कुछ संभावित होम्योपैथी दवाएं। मैं जब तक हूँ या जब नहीं हूँ पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे ब्लड विजन के विषय में, यानी कि धुंधला दिखने के विषय में। आज का मशीनी युग है, कंप्यूटर का युग है, मोबाइल का युग है, 4G का युग है, 5G का युग है और इस स्थिति में आँखों का अत्यधिक इस्तेमाल, वह आँखें जो दिन में यानी सुबह से शाम तक देखने के लिए बनी हैं और रात में सोने के लिए बनी हैं, यानी अंधेरा हो जाता है, लेकिन हम लोग का लाइफ कल्चर अब रात के 1 बजे तक 2 बजे सुबह तक आँखों से काम करने का रह गया है। तो ऐसी स्थिति में आइस पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और ब्लर्ड विजन होता है। आज हम आपको साथियों कुछ संभावित दवाएं बताएंगे जो ब्लड विजन में आपको लाभ देंगी। सबसे पहले साथियों यह जान लेते हैं ब्लड विजन होता क्या है। ब्लड विजन वह स्थिति होती है आईसाइट की कि जिससे कि साफ नहीं दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है या एक के ऊपर एक दिखाई देता है, यह जो स्थिति होती है इसी को ब्लड विजन कहते हैं। सिम्टम्स की बात कर लें, ब्लड विजन के तमाम सिम्टम होते हैं जिसमें सबसे बड़ा सिम्टम तो यही होता है कि साफ नहीं दिख रहा है। दूसरा सिम्टम एक के ऊपर एक साइड बाय साइड दिखने का होता है। तीसरा सिस्टम विजन का स्टेबल ना रहना, यानी अक्षरों का स्टेबल ना रहना भी एक सिम्टम होता है। कॉजेज यानी कारणों की बात कर लें, ब्लड विजन के तमाम कारण होते हैं जिसमें मायोपिया यानी कि नियर साइटेडनेस यानी पास का दिखता है दूर का नहीं दिखता, हाइपरमेट्रोफिया, तमाम आइस के इन्फेक्शन, रेटिनाइटिस इत्यादि तमाम स्थितियां होती है। ओवर स्ट्रेनिंग जो करते हैं आजकल मोबाइल लैपटॉप सब दिन भर चलाने पर, यह सभी ब्लड विजन की स्थिति होती है। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताएंगे ब्लड विजन को कंट्रोल मैनेज क्योर करने की कुछ पॉसिबल होम्योपैथिक दवाएं। दवाएं साथियों कारगर है लेकिन आप एक बहुत बड़ी नियामत है, तो कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब कराए अपने सिम्टम्स के हिसाब से ना लें। चलते हैं साथियों सफर पे, आपको बताते हैं ब्लड विजन यानी धुंधले विजन को कंट्रोल मैनेज क्योर करने की कुछ पॉसिबल होम्योपैथिक दवाएं। नंबर एक दवा साथियों जो ब्लड विजन को ठीक करने की होम्योपैथी में आती है वह है नेट्रम न्यूरेटिकम। यदि किसी को ब्लड विजन है, उनको जिगजैग दिख रहा है, डबल दिख रहा है यानी डिप्लोपिया है, साफ नहीं दिख रहा है, अक्षर एक के ऊपर एक दिख रहे हैं, तो नेट्रम्यूर 1 EM की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर संभावित रूप से ली जा सकती है। नेट्रम्यूर के मरीज को नमकीन खाना ज़्यादा पसंद होता है, मेंटली वह थोड़ा सा गुस्सैल लोग होते हैं, पतले इकहरे होते हैं और शरीर उनका गर्म रहता है। एक स्थिति साथियों आती है किन्हीं को ब्लड विजन हो किसी पेशेंट को और उनको हेडेक रहता हो, सर में दर्द रहता हो। यदि यह स्थिति हो कि ब्लड विजन हो और सर में दर्द रहता हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है जलसीमियम सेमी परवायरेंस। जलसीमियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे पेशेंट को
आराम देगी जिनको कि ब्लर्ड विजन है, जिनको हेडेक है। जलसीमियम का मरीज को डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, वीकनेस रहती है, उनको प्यास नहीं लगती और वह हमेशा सुस्त पड़े रहते हैं। एक स्थिति साथियों आती है कि पेशेंट को अपनी आँखों के आगे स्मोक स्क्रीन दिखने लगता है, लगता है कुछ धुंधला धुंधला सा बीच में चल रहा है पूरा और वहाँ में अक्षर को नहीं देखने दे रहा है। तो यदि साथियों यह सिम्टम हो तो इस स्थिति को भी ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है और दवा का नाम है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ली जा सकती हैं। वह इस दवा में आराम देंगी, वह आई मसल्स को मजबूत करेंगी। फास्फोरस के मरीज को ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद होता है और शाम के वक्त उनकी तकलीफ़ें बढ़ती हैं। एक स्थिति आती है कि अत्यधिक समय तक हम लोग आँखों का इस्तेमाल करते हैं तो आँखों में दर्द और चलन शुरू हो जाती है, पेन और बर्निंग सेंसेशन होता है। यदि यह स्थिति हो कि हम लोग अत्यधिक इस्तेमाल कर रहे हों आई साइट का और आई मसल्स पे यह असर आ रहा हो तो उस स्थिति को ठीक करने के लिए होम्योपैथी में दवा है रूटा, रूटा जी। रूटा 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। यह आई मसल्स को स्ट्रांग करती है, आईज को मजबूत करती है और जो ओवर स्ट्रेनिंग से, ज़्यादा मसल्स के इस्तेमाल से जो पेन और बर्निंग हो रही है, इसको लाभ देती है। एक स्थिति आती है किसी पेशेंट को ब्लड विजन हो और उनका जो सामने विजन में जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं वो आपस में मिक्स हो रहे हों। तो अगर यह हो रहा कि मिक्सिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो रहा हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है फाइटोस्टिग्मा। फाइटोस्टिग्मा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। इस दवा से पेशेंट को लाभ मिलेगा, उनका बर्निंग सेंसेशन ठीक होगा और यह जो मिक्स्ड विजन है यह भी ठीक होगा। एक स्थिति साथियों आती है किसी पेशेंट को ब्लड विजन हो और लगातार उनकी आईज से वाटरी डिस्चार्ज हो रहा हो, यह वाटरी डिस्चार्ज जलन वाला हो, आंखें लाल हो। यदि यह सिम्टम हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है यूफ्रेसिया ऑफिसनेलिस। यूफ्रेसिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यदि पेशेंट को ब्लड विजन हो, उनकी आंखों से वाटरी डिस्चार्ज हो रहा हो जो कि जलन वाला हो, यह दवा उस वाटरी डिस्चार्ज को भी ख़त्म करेगी और ब्लड विजन को भी ठीक करने में हेल्प करेगी। एक स्थिति आती है किसी पेशेंट को ब्लड विजन हो और उनकी आईज में थ्रॉबिंग टाइप पेन हो रहा हो, आँखें कुछ लाल सुर्ख हो गई हों और कुछ ब्लड जैसे पंप हो रहा है, ऐसा पेन हो रहा हो, तो अगर यह स्थिति हो तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी उस रेडनेस को ख़त्म करने की और ब्लड विजन को ठीक करने की दवा है बेलेडोना। बेलेडोना 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। उससे यह पेन भी ख़त्म होगा, आई की रेडनेस भी ख़त्म होगी और ब्लड विजन भी ठीक होने में मदद मिलेगी। बेलेडोना की तकलीफ़ें अचानक आती हैं, कुछ देर रहती हैं और चली जाती हैं, रात के वक्त तकलीफ़ें ज़्यादा बढ़ती हैं। एक स्थिति आती है किसी पेशेंट को ब्लड विजन हो और उनकी आँखों के आगे ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हों, तो यदि यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है साइक्लामेन। साइक्लामेन 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। इस दवा से ब्लैक स्पॉट्स भी जाएंगे और ब्लड विजन भी ख़त्म होगा। एक स्थिति साथियों आती है किसी पेशेंट को ब्लड विजन हो और उनको वॉमिटिंग और नौजिया भी हो, यदि यह सिम्टम हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है, ब्लड विजन को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है लैक कैराइनम। लैक कैन 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में दी जा सकती है। यह दवा पेशेंट के ब्लड विजन को भी ठीक करेगी और पेशेंट को भी ठीक करेगी। लैक कैन का एक और सिम्टम है साथियों, मेमोरी का लॉस होता है, जो याद करने की क्षमता है वह ख़त्म हो जाती है। लैक कैन इसके लिए भी बहुत अच्छी दवा है। ये साथियों को दवाएं थी ब्लड विजन की। दवाएं साथियों कारगर हैं लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। हमें साथियों इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, अपनी राय इसके विषय वीडियो के विषय में बस लिखिएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत